दोस्तों, आप सभी में से एक क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर अच्छा सेल्समैन कौन बन सकता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में सेल्स को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आज के ये स्पेशल एपिसोड इसी के बारे में है और मैं बताऊंगा कि सेल्स में कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत होती है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको थोड़ा सा मैनर अच्छा रखना पड़ता है और किस तरह से आप अच्छे सेल्स को जनरेट कर पाते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट में कौन सी प्रोडक्ट या किस तरह से चीजों को बेचना है, क्या किस चीज पर फोकस करना है, उन तमाम चीजों के बारे में आज का ये स्पेशल एपिसोड है। दोस्तों, कुछ फैक्ट्स के बारे में और बताता हूं कि कितना वीडियोस आप देखते हैं जिस वीडियोस में आपको मिलता है कि इतना पैसा लगा करके 5 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ एंड ऑल दैट। बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलते हैं, लेकिन जितना इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी जाती है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ सिर्फ इसलिए होती है कि आप जो है कितना पैसा लगा देते हैं उसके अंदर। मतलब कि जो बंदा बता रहा होता है या जो कंपनी उसको बता रही होती है वो जो है वहां से पैसे कमा लेती है। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट सेशन आता है वो होता है कि आप सेल को कैसे जनरेट करेंगे। स्टार्टअप अथॉरिटी सेल्स जनरेट करती है और आप कैसे जनरेट करते हैं ये भी बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं स्टार्टअप थाड़ी यूट्यूब चैनल, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप जो है 5 लाख से ज्यादा लोगों के सब्सक्राइबर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि वहां पर सब्सक्राइब का जो ऑप्शन जो दिख रहा है इधर, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कौन है सबसे बढ़िया सेल्समैन? अजाने या अनजाने में सेल्समैन का काम आप भी किए होंगे या आप भी करते होंगे। ऐसा कई बार देखा गया है कि एक छोटा सा बच्चा जब अपने पापा को कन्विंस करता है कोई सामान खरीदने के लिए, तो बेसिकली वो भी एक सेल्समैन का ही काम करता है, क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई चीज अपने लिए ले लेना या खरीद लेना या बेच देना, यही तो होता है सेल्समैन का काम। अगर मैं आपसे कहूं कि उस छोटे से बच्चे की बात अगर करूं, तो वो छोटा सा बच्चा अपने पापा से कहता है, यार पापा मुझे ये साइकिल चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, आप मुझे दिला दो। उसके बाद से उन तमाम क्वेश्चनों को उसके आगे आना झेलना पड़ता है, जैसे कि क्या करोगे, इतना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, तुम्हारे लिए क्या फायदा है एंड ऑल दैट। इतनी सारी क्वेश्चंस होती है और वो बच्चा जो है वो क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से देता है, बड़े तसल्ली से देता है और उसको साइकिल मिल जाती है। सिर्फ इसी जगह पे नहीं, कई बार ऐसे होता है कि जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी होते हैं, तो जब लड़का लड़की को प्रपोज करते हैं या लड़की लड़के को प्रपोज करती है, तो बेसिकली वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी एक सेल्स होता है। मतलब एक दूसरे से के पास जाने के लिए भी सेल्स होता है। इवन जब आप नौकरी पैसे में जाते हैं, जब भी आप किसी नौकरी में जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो वहां पर भी अगर आपको इंटरव्यू में जॉब मिल जाती है तो वो भी आपने सेल किया, अपने आप को सेल किया उस कंपनी के लिए। उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी वहां पर, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे बंदे आए थे, लेकिन उसमें से आपने खुद को सेल किया कि यू आर द बेस्ट, यू शुड परचेज आर, यू शुड हायर मी। सो आपने वहां पर भी एक सेल किया। इसी तरीके से जीवन में ऐसी तमाम चीजें आती हैं जहां पर आप सेल के किसी न किसी प्रोसेस से गुजरते रहते हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज जो सोचने वाली होती है कि सेल में आप किस चीज को फोकस कर रहे हो। जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास अभी एक माउस है और इस माउस को मुझे आपको सेल करना है। सो ऑब्वियस सी बात है कि इस माउस में वो सारे फीचर्स हैं जो फीचर्स तो होने चाहिए। जैसे मैं कहूं कि यार इसके अंदर लाइट जलती है, तो ये क्या है, ये फीचर है इसका। अगर आप जो है इसका बेनिफिट किसी को बताएंगे तब तो वो बंदा लेगा। अगर मानिए कि ये जो फीचर है ये है ऑप्टिकल माउस और इसके अंदर कोई भी वायर नहीं है, ये इसका फीचर है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है उस पर्सन के जीवन में, इसको यूज करने वाले के लाइफ में उसका बेनिफिट क्या है, अगर आप ये अच्छे से बता पाते हैं तो आप एक अच्छा सेल्समैन बन सकते हैं। अब जैसे मैं इसके अंदर कहूं कि यार इसके अंदर वायर नहीं है, तो ये इसका फीचर है, लेकिन आपको लेना है तो आपको तो ये जानना चाहिए ना कि ये वायर का, इसमें वायर नहीं है तो ये चलेगा कैसे। ये तो आप कह सकते हैं आप कहीं भी लेके जाओ, तार का लिमिटेशन होता है 2 मीटर 3 मीटर, लेकिन इसमें जो कोई लिमिटेशन है, थोड़ा सा दूर भी जाओगे तो भी चलेगा, कहीं से बेड से भी बैठे हो, यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है, आप वहां से भी इसको चला सकते हो, ये बेनिफिट है। सो आपको जो है सेल्स के अंदर बेनिफिट पर फोकस करना होगा। कई बार इसमें ऐसा होता है कि ये जो है वायरलेस, इसमें बैटरी लगती है तो ये तो नुकसान है, तो भाई इसका बेनिफिट तो है,
क्योंकि आप दूर तक इसको यूज कर सकते हो, माउस जो वायर वाले माउस है उसको यूज नहीं कर सकते। इस तरह से ऐसे तमाम फीचर्स हैं जहां पे फीचर्स पर आपको फोकस करने की जरूरत होती है और वहां से आपको सेल करने की जरूरत होती है। बेसिकली सेल्समैन क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा होता है जिसको वो सेल करने जाता है उसके दिमाग को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और वो सबसे बेहतर सेल्समैन वही हो पाता है जो उसके दिमाग को कनेक्ट कर पाता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस चाहिए और आप एक डिजिटल मार्केटर हो, तो आप क्या करोगे? आप मुझसे आगे कहोगे कि सर आई जस्ट प्रोवाइड अ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस फॉर योर कंपनी। मैं बोलूँगा हाउ? सो आप बोलोगे कि सर मेरे को परख के देखो, मेरे को मेरी सर्विसेज लेकर देखो, अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करना। और उसमें जो है आप जो है अपने प्रोडक्ट को या अपने टेक्निक को इतना बेहतरीन तरीके से शो करोगे जिससे उसको लगेगा कि यार इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, और फिर वो आपके सर्विसेज को ग्रैब कर लेगा। दूसरा तरीका होता है झूठ का, लेकिन झूठ वाला तरीका वहां पर इतना ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है। तो यहां पर एक बेहतर सेल्समैन होने के लिए ये चीजें जरूरी है। इसके बाद कुछ और लॉजिक्स जरूरी है जिस लॉजिक को आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जैसे आप एक सेल्स पर्सन हो, आपके पास कोई प्रोडक्ट है बना हुआ और आप किसी कंपनी को या फिर किसी सेलर को शॉपर्स को बेचने जा रहे हो, सो आप अगर ऐसे जाओगे यार पूरी टेंशन में है, यार बिक नहीं रहा है, एकदम टेंशन में परेशान होकर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है यार क्या हो रहा है ये, और उसके पास जा रहे हैं वो बोलेगा कि सर मेरा कुछ सामान है ले लो, नहीं लेगा क्योंकि आपने फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो खराब कर दी। सो अगर आप उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं सर कैसे हैं आप, एकदम स्माइल फेस के साथ, सर कैसे हैं आप, कैसे चल रही है आपकी जिंदगी, बिजनेस कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, और जब वो कनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो जाके इसकी क्रेडिट फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपके पास चली जाएगी, उसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। इसके बाद से जो कई बार ऐसा होता है कि सेल्समैन जो होते हैं वो ये करते हैं कि सर आप कैसे हैं, ठीक है बढ़िया, ये सर मेरा प्रोडक्ट है ले लीजिए। सो आपने क्या किया, आपने उसकी परेशानी को नहीं समझा, आपने उसको जाना नहीं कि एक्चुअल में उसको जरूरी क्या है। उसके बाद जो जाने का दूसरा स्टेप आता है वो प्रॉपर तरीके से सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, सर आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, सर आपको ये जो प्रोडक्ट है इसकी सेल कैसे आ रही है, आपको अगर सेल नहीं आ रही है क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को समझिए। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जिसके पास आप चीजों को देने जा रहे हैं जो कस्टमर है आपका, जब तक आप उसके चीजों को एनालिसिस नहीं करेंगे या आपका प्रोडक्ट उसके बेनिफिट के लिए नहीं बना रहेगा तब तक वो नहीं लेगा। अगर किसी को भूख लगा होगा और आप उसको पत्थर देंगे तो नहीं खाएगा, वो पत्थर खाने के लिए नहीं होता है। जब भूख लगेगा तो उसे रोटी चाहिए, जब भूख लगेगा तो उसे चावल चाहिए और वही देना पड़ेगा। सिमिलर यहां पर भी होता है कि उसको समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में होता क्या है, उसको सुनना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। इसके बाद से कई बार ऐसा होता है कि जो उत्सुकता होती है किसी चीज की, जैसे मान लीजिए कि उसका कस्टमर की उत्सुकता है यार ये वाला प्रोडक्ट जो है ना काफी चल रहा है, अगर इस तरह का प्रोडक्ट और भी मिले ना तो बिक जाएगा। सो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि उसके वर्क अराउंड कुछ ऐसा चीज देना होगा, उसके वर्क अराउंड कुछ ऐसा देना होगा जिससे कि आपका भी सेल हो और वो भी सेल हो, उसको किसी तरीके से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी और ये बेहतर चीज है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है कई बार किसी से बात करने जाते हैं किसी से, तो उसके बारे में हम लोग जानते नहीं है, उसका नाम नहीं जानते एंड ऑल दैट, सर आपका नाम बता दो, सर व्हाट इज योर गुड नेम एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें होती हैं। सो पहले उसके पास जाने से पहले उसके नाम का चीजों को जानिए, समझिए, उसके नाम से पुकारेंगे कि मनोज सर कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप। इस तरह से कई बार चीजें होती हैं जब आप इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये चीजें आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल हो जाती हैं। कई बारी देखा गया है कि कई बारी जो मार्केटर्स होते हैं चाहे वो सेल्समैन होते हैं कोई भी होता है, सो वो जाता है और कई बारी कस्टमर से जिसको वो सेल करना होता है उससे आर्गुमेंट करने लगता है। वो कहते हैं कि सर आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट काफी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन पता है आपको ये प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से बेहतर नहीं है। कैसे नहीं है? तो वो उसका एक्सप्लेनेशन करने जाता है और इस तरीके से क्या होता है कि वो अपनी चंगुल में फंस जाता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जब उसको समझाना होता है कुछ और आर्गुमेंट की वजह से कर लेता है कुछ और, तो इस वजह से हमें जो है आर्गुमेंट को जो है नहीं करना है अगर हम सेल्स पर्सन के तौर पर या सेल्स करने कोई चीज सेल करने जा रहे हैं।
इसके अलावा कई बार होता है कि अगर मान लीजिए कि आपसे बीच में गलती हो गई, जैसे बीच में गलती हो गई या कुछ ऐसा पॉइंट आपने रख दिया जो एक्चुअल में नहीं बोलनी चाहिए, सो वहां पर भी आपको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। आप उसे सॉरी बोल सकते हैं रादर देन कि आप जो है उसे घुमाना शुरू करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई गलती हो जाती है, नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, वो ऐसे होता है, वैसे नहीं सर वैसे होता है, सो इसके आर्गुमेंट में आप जो है अपने पॉइंट से भटक जाते हैं और एक्चुअल में जो चीजें आपको उसको देनी होती है या प्रेजेंट करनी होती है वो चीजें उसको मिलती नहीं है। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है अगर आप आर्गुमेंट पे जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद से जो तीसरी मतलब उसके बाद जो बेहतर और जो बेहतर पॉइंट्स है वो ये है कि कभी भी जो आपके कस्टमर हैं उनकी इच्छाओं को जानना, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं या अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने नमकीन के पैकेट का निर्माण करना शुरू करे, सो आप जो है बना रहे हैं मूंग दाल का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कहता है नहीं यार मुझे मिक्स टाइप का कुछ चाहिए, तो ये आप कैसे एनालाइज करेंगे? जब उससे बात करेंगे, जब उससे वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है, और यही R&D होती है, यही रिसर्च होता है जो इनिशियल स्टेज में आपको करने की जरूरत होती है अगर आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने जाते हैं तो। और कई बार ये लोग यहीं पे मार खा जाते हैं। अब यहां पर दो चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, एक वो होता है कि आप जो है आइडियाज दे पाते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है या कोई काम कर रहा है, कोई बंदा काम कर रहा है और आप एक सेल पर्सन हो और आप उस चीज को उसके सामने बेचने के लिए जा रहे हैं या उसको बताने के लिए जा रहे हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है या ये चीज है ये ऐसे नहीं चल रही है, ये जो है आपको इसमें आप सीधे सीधे बेच रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं तो इसमें आपको बेनिफिट नहीं हो रही है, सो उसके साथ आप जो है उससे कनेक्ट हो चुके हैं, अब आपको उसको कुछ आइडिया बताना चाहिए कि सर आप जो है ये प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, अगर आप इसको ऐसे करके बेचोगे ना तो ये आपको ज्यादा फायदा देगा। ये भी जो होती है ये कनेक्शन का पार्ट होता है, और ये बहुत सारी चीजें होती हैं जब हमें अपने बारे में ना सोच करके हमें सामने वाले के बारे में सोचना पड़ता है, और होता भी यही है। आपने अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब एक बच्चा अपने पिता से बोलता है कि मुझे ये सामान चाहिए, सो उस समय वो क्या करता है कि अपने पिता से इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है, वो प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है, उनके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है, इनफैक्ट उनको ये भी बताने की कोशिश करता है कि यार ये चीज़ ना पापा अगर मुझे गाड़ी मिल जाएगी ना तो मुझे ये फायदा हो जाएगा, मेरा ट्रेवल ना बहुत ईजी हो जाएगा, मैं जो 3 घंटे देता हूँ ना जाने आने के लिए ट्रैफिक से वो कम हो जाएगा, और जो 2 घंटे हैं ना बचेंगे जाने के बाद से उसको मैं यूज कर सकता हूँ पढ़ाई के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब वो कनेक्ट करता है ना तो वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को इस समय तक देख पाए हैं तो मैं आपको एक लास्ट में सजेशन दूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इससे बेहतर और इससे अच्छे अच्छे मार्केटिंग आइडियाज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। जय भारत।